home and we might sell this house. मैं कोई यूनिवर्सल मदर हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सोमवार है एंड नाउ द टाइम इज 10 बजने वाला है एंड ये अभी उस जगह। तो अभी ना सीट को सब कुछ हम लोग के जैसा करना है, ओके? हम लोग जिस जैसे बिस्तर से उतरते हैं उसको वैसा ही उतरना है। वन सेकेंड। एंड आज काफी प्यारा मौसम है तो सोमवार अभी मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग रहता है एंड दैट वाज द बेस्ट आइडिया जो मैंने किया है, यू नो, ताकि मैरी आएगी एंड शी विल डू द किचन एंड जैसे कि बेडरूम, फिर राइकर रूम, ये सब वैक्यूम करके देती है, फिर लिविंग रूम भी साफ करके देती है, दैट्स इट। बाथरूम एंड ऑल, लाइक फुल एंटायर घर नहीं करती है वो। रैक्स भी यहाँ पे। चलो बाबा, वी ऑल विल गो अप, ओके? अभी सिद्ध को खाना खिलाना है, लाइक ब्रेकफास्ट बनाना है सिद्ध के लिए। एंड टेल मी वन थिंग ना, एक्चुअली अभी क्या होता है ना, व्हेन यू गो टू इंडिया, व्हेन यू गो, या जो लोग इंडिया में रहते भी है, द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया इज यू नो नीड टू, लाइक टोटली कैशलेस हो गया है। पर वो हम लोग का प्रॉब्लम होता है जब हम लोग जाते हैं, बिकॉज दिस पेटीएम एंड ऑल, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। एंड इस बार जब मैं इंडिया में गई थी ना, यहाँ मोस्टली ना, तब मैंने क्रेडिट कार्ड से सारा पेमेंट किया था क्योंकि शॉप्स के पास कोई कैश ही नहीं है। यू नो, छोटे छोटे जो लोग, यू नो, जो रस्ते में भी जो लोग फल भी सेल करते हैं, बिकॉज पेटीएम गोज एंड विच इज सो गुड। तो आप लोग मुझे बताना ना, बिकॉज मैं ये नोट देखती हूँ तो मुझे लगता है चलेगा कि नहीं, ये 500 रुपीज का ये नोट अभी चलता है कि नहीं। तो आई डिडंट टेक एनी ऑफ दिस, जो मेरे पास यू नो थोड़ा रुपीज था, तो मुझे शॉमिक बोल रहे ये चलेगा, ये चलेगा कि नहीं मुझे बताना ना कमेंट में, ये वाला 500 वाला, बिकॉज मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब इससे पहले बार जब मैं गई थी ना, देन आई टुक, तब कुछ 2000 कुछ एक तो नोट था जो नहीं चलता था, लाइक बंद हो गया था, तब वो लोग मुझे पूछ रहे थे कहाँ से मिला एंड ऑल दैट। तो शायद मेरी लोग अभी आ जाएंगे एंड काफी अच्छा मौसम है, मैं सोच रही हूँ। हाँ, वो लोग अभी गए तो मैं सोच रही हूँ शायद सीट को लेके मैं बाहर चली जाऊंगी। जस्ट लुक, मैरी आज कितने जन को लेके आई है। वही मैं बोल रही हूँ कि इतने जन को लेके क्यों आए हो, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आज सिर्फ 2 रूम वो लोग वैक्यूम करेंगे एंड हाँ, वो लोग कपड़ा फोल्ड कर देते हैं, पर चलो उसका ही ना जल्दी हो जाएगा। लाइक रैक्स, जब से हम लोग यहाँ पे आए ना, फ्रॉम डे वन वो राय के रूम में ही सो रहा है, लाइक दैट इज ओनली हीज रूम। वो रात में होता है ना, जाके सो जाता है, पर पता नहीं क्या हुआ लास्ट वीक से ना, बिल्कुल भी नहीं सो रहा है, सिर्फ ना मेरे रूम में, लाइक ही वॉन्ट्स टू कम टू माई रूम एंड यू नो, मैं जैसे बेड के ऊपर उसको रखती हूँ वैसा उसको सोना है। तो मे बी बिकॉज ऑफ द कम्फर्टर उसको गर्म लग रहा है कि नहीं, बिकॉज राय सो अपसेट यार, रैक्स लाइक उसका बच्चा जैसा है ना। एंड ये भी तो सच है ना, जब से रैक्स आया है फ्रॉम डे वन उसके साथ ही सो रहा है उसके रूम में। तो शी इज़ लाइक, मम्मी क्यों नहीं सो रहा है? तो मैं वही वो लोग को बोल के आती हूँ, तू चेंज द कम्फर्टर। तो राय के रूम में कंफर्टर कवर चेंज करना है, बिकॉज राय फील्स बिकॉज ऑफ दैट कवर रैक्स नहीं सोता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये कवर चेंज करेंगे तो रैक्स सो जाएगा। ऐसा तो देखो रैक्स किस तरीके से अभी बैठा हुआ है, पर पता नहीं रात में ही उसको क्या हो जाता है। तो क्योंकि अभी वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगा कि चलो सिद को लेके मैं थोड़ा वॉक करती हूँ। पहले मैं सोच रही थी पार्क जाऊंगी, बट अभी ना अभी भी ठंडी है। दिस वेदर इज रियली बैड, यू नो, यू कैन गेट सिक वेरी इजीली, लाइक कभी गर्मी लगता है कभी ठंडी लगता है। यस, कितना शांत है अभी ये जगह हम लोगों का, क्योंकि वो लोग 3 जन आए थे तो विद इन 1 आवर ही वो लोग का काम ख़त्म हो गया है एंड हाँ, सारे कपड़े भी फोल्ड करके दे दिया है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है यार, कपड़ा फोल्ड करना ना मुझे कभी भी पसंद नहीं था। शादी के बाद तो यू वन बिलीव, मेरे एक रूम में ना सिर्फ कपड़ा रहता था एंड कभी कभी जाके ही मैं फोल्ड करती थी। तो भी सिद को थोड़ा खिलौना दे दिया है खेलने के लिए,
तब तक चलिए सारे कपड़े जगह पे रख देते हैं। नन्हा अच्छी तरीके से खेल रहा है मन लगा के। रायके रूम में ऐसे में बहुत ही कम आती हूँ कुछ सामान एंड ऑल रखने के लिए, वो खुद ही अपना रूम का ख्याल रखती है। पर हाँ कपड़ा जो होता है वो मैं रख के आती हूँ ताकि वो जगह पे रख दे। राय कभी कभी क्या करती है, स्कूल में जो वो पहनेगी ना वो सभी इसी इसके ऊपर में रख देती है ताकि सुबह में जल्दी हो उसका। तो एक जो ड्रेस था मुझे लगा कि चलो मैं अंदर रख देती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि अभी राय ये सब पहनेगी। थोड़ा हल्का हल्का भी वेदर तो चेंज हो गया है। एंड ये रहा सिद के सारे पैंट्स। एंड मेरे साथ तो आप सबको पता ही है मेरे दोनों बेटे हर वक्त ही रहते हैं। सीधा अगर हर वक्त ऐसा किचन में रहता है ना तो सच्ची बात बताओ स्पेशली कुकिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं ब्रोकली थोड़ा स्टीम करूंगी, ये सिद के लिए भी, फिर थोड़ा शॉमिक के लिए भी। एंड ये जल्दी हो जाएगा, मैंने थोड़ा पीस भी दे दिया है। फिर मुझे लगा कि सिद का ऑलरेडी करी तो है ही, कल मैंने जो बनाया था, फिर मुझे लगा कि चलो मैं सिद का राइस प्रेशर कुकर में कर देती हूँ। एंड उसमें भी मैं दो गाजर दे दूंगी। पता नहीं सिद को राय को दोनों को ही मैंने कितना गाजर खिलाया है। एंड यहाँ पे ब्रोकली इज रेडी। इवन दो खाना बनाया हुआ है देन ऑल्सो बाकी का बहुत सारा साइड का खाना है जो बनाना पड़ता है, जैसे कि मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि राय बोल के गई है कि मम्मी मैं पराठे खाऊंगी डिनर में, बिकॉज वो कोकोनट चिकन ना पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। चलो सिद्धू ब्रोकली, प्लीज व्हिच वन यू वांट टू हैव, प्लीज डोंट थ्रो, ओके। मुझे लगता है ना सिद को डे केयर में भेजने का मेरा आइडिया इज़ द बेस्ट, क्योंकि बाय 12:30 ये आ जाएगा। एंड मॉर्निंग आई कैन ड्रॉप हिम बोला है, 8 बजे के बाद कभी भी आई कैन ड्रॉप हिम, तो ऐसा मैं इसको जल्दी भी उठा दूँगी, मे बी विद इन 8:30 मैं भेज दूँगी। एंड देखूँगी अगर वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट खाएगा, नहीं तो यहाँ पे मैं खिला के भेजूँगी। एंड वो लोग ने बोला अगर इफ़ यू वांट घर से भी मैं ब्रेकफास्ट भेज सकती हूँ, वो लोग खिला देंगे, तो ये भी खेलेगा ना। एंड बाय दिस टाइम देखेंगे बच्चे लोग थोड़े टायर्ड भी हो जाते, मेनी ऑफ यू टोल्ड मी। तो फर्स्ट मैं सोच रही हूँ 3 डेज, तो शॉमिक बोल रहे 3 डेज क्यों करोगे, फुल लेट हिम गेट इन द रूटीन, मंडे टू फ्राइडे करो, सो नेक्स्ट वीक दे हैव लाइक उसका ओरिएंटेशन है where I think so they will stay and we need to do some paperwork. Let's see how things work and अगर मुझे पसंद आया तो मैं शॉमी को बोल रही हूँ, because टूज क्लास यानी 2 साल के बच्चे को मुझे लगता है प्री स्कूल भेजने से, बिकॉज इट्स द सेम टाइम एंड वो ये डे केयर मेरे घर के इतने करीब है, स्कूल ऑल्सो इज नियर, देन ऑल्सो अगर मैं डे केयर का कंपेयर करूँ तो डे केयर इज सो नियर, मैं पैदल भी चल के जाऊँ ना तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेगा। या Yeah, he loves all this broccoli, peas, कुछ भी veggies ना इसको पसंद आता है। तो आज ऐसा तो शॉमिक ऑफिस जाते पर आज वो घर से ही काम कर रहे हैं, because इसके बाद daily he has to go। and ये मैं शॉमिक का लंच रेडी कर रही हूँ एंड उसके साथ थोड़ा ब्रॉकली भी दे दिया है। बहुत दिनों से ना मुझे ये पम्पकिन सीड्स भाजी, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, ये खाने का मन था तो आई गॉट सम पम्पकिन सीड्स। तो अभी मैं पम्पकिन सीड्स को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आपको ना क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा, दैट मीन्स इट्स परफेक्ट। तो अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा खाना बनाना नहीं है। मुझे लगा कि चलो राय के लिए लेट मी मेक मैंगो कस्टर्ड, बिकॉज राय अभी शक्कर का कुछ भी नहीं खाती है, बट शी इज़ इन अ ग्रोइंग स्टेज थोड़ा तो शुगर बॉडी में होना चाहिए, तो आई फेल्ट लेट मी मेक मैंगो कस्टर्ड, थोड़ा शक्कर कम दूंगी। एंड हाँ ये ठंडा हो चुका है तो अभी मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी लाइक पम्पकिन सीड्स में, थोड़ा रेड चिली पाउडर, इफ़ यू वांट लिटिल बिट ऑफ जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं आज भूल गई थी, लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर मेरे पास ना चावल का आटा ख़त्म हो गया है तो मैंने थोड़ा बेसन ऐड कर दिया है एंड थोड़ा पानी देना है ताकि जो मसाला है ना वो स्टिक हो जाएगा पम्पकिन सीड्स में।
तो अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे एंड हम कस्टर्ड के लिए दूध भी थिक हो चुका है एंड आई हैव एडेड इट एंड बस अभी अच्छी तरीके से मुझे मिक्स करना है एंड कस्टर्ड इज़ रेडी एंड दिस इज़ ए नाइस ट्रिक। ये मुझे राय ने सिखाया था कि कस्टर्ड होने के बाद ना तुरंत ना मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ एंड देन मैं इसको फुल कवर करके नहीं रखती हूँ, लाइक जैसे कि मैंने अभी स्ट्रेनर से मैं कवर करके रखूँगी ताकि जो धुआँ है ना वो निकल जाए। सीड्स को ना अभी आपको धीरे धीरे करके ना इसको शैलो फ्राई करना है एंड से इस तरीके से फ्लैट करके देना है ताकि जो सारे पम्पकिन सीड्स वो अच्छी तरीके से फ्राई हो एंड बहुत ही क्रंची लगेगा। आज मेरा ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, वो तब मैं कस्टर्ड निकाल रही थी। चलो होगा, घर के हम लोग ही खाएंगे। जो लोग को पम्पकिन सीड्स कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया है ना, ट्राई इट, यू माइट लाइक इट, बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड हाँ, अमेजन से कुछ आया है, देखती हूँ क्या है। मैंने तो कुछ नहीं मंगाया है पर शायद राय ने मंगाया होगा। ओ या, ये दिस आर गमीज, प्रोबायोटिक गमीज। एंड हाँ, बहुत जन आप लोग पूछ रहे थे कि पायल तुम फिनरल पे गए थे क्या, तो मैंने ही गई थी, सिर्फ शौमिक गए थे बिकॉज आई नो ना हम लोग का ये एरिया, जैसे शौमिक ऑल्सो वॉज यू नो, शौमिक को मैंने बोला तुम सूट पहन के जाओ, शौमिक का प्लस एक लाइक ही हैड ए ब्लैक सूट एंड मैंने सब लेडीज़ लोग ना ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के गए थे एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड ये सब के लिए यार कौन फिर कपड़ा एंड ऑल खरीदेगा, सिर्फ शादी एंड ऑल वो खरीदना कुछ अलग होता है। एंड अभी मैनी ऑफ यू विल से अरे तुम बोलती हो, बिकॉज मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, लाइफ में ना दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई जो इतने पास में रहते हैं ना वो चले गए, लाइक फर्स्ट टाइम हम लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है। या यू नो ऐसा तो बहुत ही हुआ है, यू नो दादाजी चले गए, बट दैट इज़ समथिंग एल्स यू नो। यहाँ पे जैसे कि मैं अभी यू नो आई ओपन द डोर ना, फिर मैंने उनको देखा वो बच्चे को लेके जा रहे, तो देखते हैं ना बहुत ही बुरा लगता है। यार आई एम, वी बोथ आर ना वेरी इमोशनल एंड स्पेशली सीत, उसका बच्चा एंड सीत का बच्चा सेम एज का है ना, आई डोंट नो मेनी वन ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। सी हम लोगों का लाइफ जैसा है वैसा तो चलता ही रहता है, देन ऑल्सो नो दिस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता ही है। जैसा आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपन ना, लाइक मैंने और शौमिक ने अभी बहुत सारा फैसला लिया है। वन थिंग आई टुक जो मुझे बहुत पहले ही यू नो मैंने सोचा था नहीं यू नो आई विल डू इट, शौमिक ने भी मुझे बोला था पायल जो हुआ सो हुआ, बट यू नो व्हेन वी स्लीप हम लोग खुश, लाइक वी शुड बी हैप्पी स्लीपिंग की एक होता है ना, व्हेन यू लुक हाँ दिन कैसा गया या उससे पहले क्या हुआ, तो वो मैं आप सबको कल बताऊंगी क्या डिसीजन हम लोगों ने लिया है। मैनी ऑफ यू आर टेलिंग मी बिकॉज जो लोग यूएस में रहते हु नो नाउ यू नो कैसा सिस्टम चल रहा है कि पायल क्या तुम लोग अपना घर सेल कर रहे हो। सी जो भी यू नो जिस लाइक जितने भी हम लोगों के रियल एस्टेट एजेंट को हम लोगों ने बुलाया, सभी ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वो लोग ने सुना हम लोग का घर है तो फर्स्ट थिंग दे टोल्ड कि सेल योर हाउस, अभी जितना मिलेगा ऐसा पता नहीं और कितना मिलेगा कि नहीं, बिकॉज थिंग्स आर क्रेजी एंड घर जैसे कि विद इन वन वीक क्या विद इन टू डेज ही घर सेल हो जाता, सभी ने हम लोगों को बोला। सी घर मिलना एंड ऑल ना बहुत ही नसीब का बात है, वो ही आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर एक्चुअली जब हम लोग का दो तीन ऑफर रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग के विलेज में ना रेंट का घर भी नहीं आता है, तो एक रेंट का घर आया था दैट टाइम यू नो, क्योंकि मुझे भी बड़ा घर चाहिए नहीं तो मेरा इतना सारा फर्नीचर कहाँ पे मैं रखूँगी एंड दिस ऑल फर्नीचर्स आर न्यू यू नो, एक साल पहले भी अगर मुझे कुछ पता चलता ऊपर का सारा फर्नीचर न्यू, ये सारा फर्नीचर न्यू, फिर मेरा बेडरूम रहा है का रूम ऑलमोस्ट ऑल द फर्नीचर्स आर न्यू ओनली। तो जो भी हो एक रेंट का घर आया था जो काफ़ी बड़ा था, लाइक इंडिपेंडेंट होम था यू नो, पीछे में खेलने का जगह एंड ऑल भी था। तो हम लोग के जो रियल्टर है ही वाज सेइंग कि तुम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ एंड सेल दिस हाउस, क्योंकि मैं रहते हुए सेलिंग इज़ टू टफ एंड हम लोग कहाँ पे जाएंगे। पर किस्मत का ही बात है यू नो, तब पहले मैं और शौमिक हम लोग राज़ी भी हो गए थे, तब मैंने मेरे एजेंट को बोला, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ एजेंट लोग करते हैं कि तुम फ़ोन करो जो रेंट लेंगे वो एजेंट को, दैट टाइम ही टोल्ड कि नहीं हम लोग घर थोड़ा रिनोवेट करेंगे उसके बाद ही रेंट को देंगे, तो रिनोवेशन में दे टू केयर ऑन वन मंथ एंड विद इन वन मंथ
हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं यार रेंट के घर में नहीं जाएंगे, बिकॉज व्हेन वी कैलकुलेटेड ना हम लोगों को लगा कि ज़्यादा खर्चा होगा, बिकॉज सी अगर मैं मूवर्स एंड पैकर्स करूँ US में ना एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, एटलीस्ट $15,000 वो लोग सिर्फ सामान ले जाने का ही लेंगे। मैं रेंट के घर में गई, तुरंत के घर आया, मुझे पसंद आ गया, देन अगेन आई हैव टू ब्रेक द लीज, एंड वो मुझे लगता है सभी रूल एवरीवेयर आर द सेम ना, जहाँ पे टू मंथ का आपको रेंट देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो हिसाब लगाया, लाइक हम लोगों ने ज़्यादा सोचा, एंड कभी भी ना मैं और शमिक रेंट के घर में हम लोग बहुत ही कम रहे हैं, तो वो यार हुआ नहीं, वो सब किस्मत का बात है यार। अभी मुझे कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है ना दैट मे बी दिस हाउस डोंट वांट टू लीव अस, देखा जाए तो ये घर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, इट वाज रियली लकी फॉर अस। कुछ एक होता है यार, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन ऑल दिस, बहुत जन बोलेंगे पायल ये क्या बोल रही है, सीधू व्हाट डिड यू डू, एंड बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, बच्चों के साथ दिस ऑल आर कॉमन, जस्ट सी फिर से सब कुछ गंदा कर दिया यार, ये छोटे बच्चे रहते हैं ना तो मुझे लगता है परमानेंट एक वैक्यूम हम लोग के साथ फिट होना चाहिए। तो हाँ फिर मैं लेके आ गई, तो अभी सिद्ध को, अभी सिद्ध ही लव्स टू टेक ए शावर, तो मैं उसको बाथ टॉप पे बिठा के आई हूँ, एंड तब तक मैं जो रिमेनिंग वर्क है यू नो सब कुछ रेडी कर देती हूँ, एंड उसका मिल्क भी मैं रेडी करके रख देती हूँ। सीत को आज ऐसा काला टीका भी लगा के दिया, राय को ना मैं हर वक्त लगा के देती थी, यहाँ भी मैं सीत को इतना नहीं लगाती हूँ, यू नो बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना। किसी ने मुझे कमेंट पे लिखा है कि मैं सुबह सुबह क्यों नहीं नहाती हूँ, बहुत ही अनहाइजेनिक हूँ, तो यार कभी भी नहाओ, एट द एंड ऑफ द डे नहाते तो है। मुझे सुबह नहाना पसंद नहीं है क्योंकि सुबह उठने के बाद ही मेरा डे स्टार्ट होता है, एंड आई डू सो मच ऑफ वर्क, एंड स्पेशली यू नो विथ किचन का काम एंड ऑल, जिस दिन मैं नॉनवेज बनाती हूँ उस दिन मुझे हर वक्त पसंद है दैट वंस आई फिनिश कुकिंग मेरा होता है कि सीट सोता है तब जाके मैं नहाती हूँ, लाइक आई फील दैट इज फ्रेश, यू नो जब सारा किचन का काम खत्म हो चुका है। अभी तो विंटर्स है, समर में तो मैं 2-3 times नहाती हूँ, पर हाँ सुबह उठ के अगर कोई नहाए तो वो हाइजीनिक है, एंड अगर उसके बाद नहाए तो अनहाइजीनिक है यार, उसका मुझे कुछ भी मीनिंग समझ में नहीं आया। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट कि फील दैट कि सुबह उठ के नहाओ तो हाइजीनिक, नहीं नहाओ तो अनहाइजीनिक, आप बोलो एट द एंड ऑफ द टाइम नहाने से ही हुआ या सिर्फ भी बोले हाँ हाँ हाँ। सो मेरा नहाना खत्म, एंड मुझे लगा कि चलो कस्टर्ड के लिए थोड़ा मैं फ्रूट्स चॉप कर लेती हूँ। तो मैंगो कस्टर्ड के लिए ना मैंने फ्रूट्स भी कट करके रख दिया है, क्योंकि राय ने बोला है वो नहा के आएगी देन शी विल हैव इट, उसने सही बोला यू नो जब आप खाए एक्चुअली तभी फ्रूट्स देना चाहिए तभी टेस्टी होता है। तो राय वाज लाइक कि मम्मी तुम रख दो मैं आके बना के खाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है। तो चलो नाउ द टाइम इज 3:30। सी बहुत जन डेव्यू नहीं बहुत जन डिबेट करते हैं, हाँ तुम्हारे घर में हेल्पर है हेल्पर हेल्पर, अरे एक रोज आके कोई साफ करके दे वन टाइम तो क्या होता है, किचन तो फिर से गंदा हो ही गया, आई हैव टू क्लीन इट ओनली। आई रियली डिसएग्री देयर दैट इफ यू आर शोइंग ए व्लॉगर का लाइफ ऑलवेज आई हैव टू शो कि आई एम क्लीन, मैं अकेली सब कुछ करती हूँ। बहुत जन ने मुझे लिखा कि पायल तुम सब कुछ अकेले क्यों करती हो, डेफिनेटली यार मुझे शौमिक बहुत हेल्प करते, बट आई यू नो मैं हर वक्त व्लॉगिंग में अपना अकेला ही दिखाती हूँ, मैं और किसी का पार्ट नहीं दिखाती हूँ। जैसे भी हो व्हेन शौमिक कम्स फ्रॉम ऑफिस मे बी इट इज़ 8 o'clock, कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है बिकॉज यू नो इतना बड़ा कम्यूट करके आओ, एंड देन यू नो यू गेट उनका जॉब इज काफ़ी स्ट्रेसफुल है, यू गेट टायर्ड राइट, देन ऑल्सो यू नो तुरंत वो आएंगे ही विल टेक सिद्ध, सिद्ध के साथ खेलेंगे, लाइक सिद्ध का नाइट टाइम जो है ना नहलाना फिर ऑल द थिंग सब वो कुछ करते हैं। अभी वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं आई डू एवरीथिंग, मैं कोई यूनिवर्सल मदर हूँ, नहीं यार आई एम ए नॉर्मल लेडी हूँ, डेफिनेटली अगर डेली मुझे ऐसा हेल्प मिलता तो मज़ा ही अलग होता, बट इन US इट इज़ सो एक्सपेंसिव दैट वी कैन अफोर्ड कि डेली मेरे घर में कोई आए एंड क्लीन करके दे। एट द एंड ऑफ द डे यार लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, लेट्स
एंजॉय एवरी डे जो भगवान ने दिया है. एंड सच अ लवली वेदर, ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है. ठंडी हवा चल रहा है बट देन ऑल्सो यू नो इट इज सो गुड. तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे टुमारो विद ए नेक्स्ट वीडियो. मैं क्या बोल रही हूँ, तो मिलती हूँ आप सबसे टुमारो. एंड कल का व्लॉग में आई विल tell you all something. I don't know how many of you will like or not, but I'm sure many of you will like. So chaliye, bye bye.